तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग सभी सेफ होंगे। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स को समझा था, एक नहीं पूरे आठों के आठ जो एग्रीगेट्स हैं उनको समझा था। एक एक करके हमने ये देखा था कि किस तरीके से एडजस्टमेंट के साथ हमें ट्रीटमेंट करनी होती है, एक नहीं पूरे आठों के आठ। ओके, तो आज की वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं, और विद सॉल्यूशन के साथ मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ, जिससे कि आप न्यूमेरिकल्स बहुत ही अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें और जो हमारा टारगेट है 95% स्कोर का उसे हम अचीव कर सकें। सो गाइस, बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर है आपकी स्क्रीन पर, तो यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है NDP एट फैक्टर कॉस्ट। NDP, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। दो बातों को समझना है, एक तो सबसे पहले नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है और वो भी फैक्टर कॉस्ट पर। तो कॉन्सेप्ट याद करो, मैंने क्या कहा था कि अगर आपको फैक्टर कॉस्ट निकालनी है तो सबसे पहले आप टैक्स हटाओगे, क्योंकि मार्केट में जाने के बाद टैक्स लगता है, उससे पहले कोई टैक्स नहीं लगता है। ओके, दूसरी बात कि जब भी आपको नेट निकालना हो तो डेप्रिसिएशन का कोई काम ही नहीं होता, डेप्रिसिएशन को भी हटाना पड़ता है। अच्छा, डोमेस्टिक में है हम, तो अगर नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे रखी है तो उसका क्या करना है। डोमेस्टिक में है तो सिंपल सा है, जो भी आपने अब्रॉड से इनकम अर्न की है उसे भी हटा दो। तो क्वेश्चन जो है यहाँ पर बहुत ही ईजी हो जाता है। देखिए, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर GNP एट मार्केट प्राइस विच इज 6000 करोड़। नेक्स्ट है सब्सिडीज 200 करोड़, डेप्रिसिएशन 100 करोड़, नाफिया 400 करोड़ एंड इनडायरेक्ट टैक्स 300 करोड़। ओके, सॉल्यूशन भी मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या हुआ? तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्टेप वन में क्या करेंगे, हमें क्या फाइंड करना है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू प्लस और माइनस एडजस्टमेंट। वो एडजस्टमेंट क्या है, मैंने क्या बताया आपको, फैक्टर कॉस्ट पर जाना है, डेप्रिसिएशन को हटाओ, इनडायरेक्ट टैक्स को हटाओ, नाफिया को हटाओ, सबको माइनस कर दो, सिंपल है। आओ सॉल्यूशन की तरफ। सो गाइस, सॉल्यूशन में देखिए, GNP एट मार्केट प्राइस माइनस किया गया है डेप्रिसिएशन को, माइनस किया गया है नाफिया को, और माइनस किया गया है NIT। NIT कैसे निकलता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी को माइनस करके। ओके, तो कैसा लगा, यहाँ पर आपके पास सॉल्यूशन भी है, देख सकते हो आप किस तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर, तो न्यूमेरिकल भी क्लियर। ओके, इजी है। सो इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कमेंट में लेकिन जरूर बताओ कि कैसा लग रहा है आपको, ये समझ में आ रहा है अच्छे से। चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही ईजी है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने के बाद। एंड गाइज, अगर आप इस चैनल पर अभी अभी वीडियो देख रहे हैं तो शायद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे आपको, तो आपको लास्ट वीडियो देखनी होगी, जिससे कि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छे समझ में आए, न्यूमेरिकल्स आप अच्छे से सॉल्व कर पाएं। कॉन्सेप्ट क्लियर तो न्यूमेरिकल क्लियर। ओके, तो गाइस नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कैलकुलेट GDP एट मार्केट प्राइस। सीधे कॉन्सेप्ट की तरफ ले चलूंगा, बिना क्वेश्चन को पढ़े, बिना सॉल्यूशन को जाने। GDP एट मार्केट प्राइस, मार्केट में गया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, टैक्स को लेकर आना पड़ेगा। यहाँ पर जो है नाफिया गिवन होगा भी तो हम इसको ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि डोमेस्टिक वाला केस है, नेशनल वाला नहीं, ठीक है। डोमेस्टिक वाले केस में नाफिया को हटा दिया जाता है, अगर नेशनल होता तो ऐड कर दिया जाता है। अब समझो ग्रॉस है, ग्रॉस में डेप्रिसिएशन को ऐड किया जाता है, अगर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है तो ऐड करो। तो मुझे लग रहा है समझ में आ गया, शायद किसी ने सॉल्व भी कर लिया हो, तो कमेंट में जरूर बताओ कि किस किस ने सॉल्व कर लिया। ओके, तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं जरा। सबसे पहला पॉइंट, NNP एट फैक्टर कॉस्ट विच इज 2000 करोड़, सेकंड डेप्रिसिएशन विच इज 200 करोड़, सब्सिडीज 70 करोड़, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड विच इज 110 करोड़, इनडायरेक्ट टैक्स 180 करोड़, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 50 करोड़। टू अब्रॉड यानी कि पे किया है, फ्रॉम अब्रॉड मतलब कि मिला है। ओके, सो गाइज, आई नो आप एक्साइटेड हैं सॉल्यूशन के लिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैं कह रहा हूँ बार बार, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सॉल्यूशन भी क्लियर है।
सो गाइस स्टेप वन में मैंने क्या बताया आपको, जो पूछा गया है जीडीपी एट मार्केट प्राइस पूछा गया है इक्वल्स टू एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट गिवन है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट गिवन है, प्लस माइनस करो क्या एडजस्टमेंट। अब भाई फैक्टर कॉस्ट में जब आप प्लस करोगे एनआईटी तभी तो मार्केट पर जाएगा, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो गिवन है वो लिखते हैं विच इज एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, हमें ग्रॉस पर जाना है तो डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे, और डोमेस्टिक का केस है तो नाफिया को हटा दिया जाएगा, एंड मार्केट में जाना है तो एनआईटी को प्लस किया जाएगा। एनआईटी कैसे निकलता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ओके। और नाफिया यहाँ पर इंटरेस्टिंग सा केस है कि क्या करना है आपको, जो भी मिला है फ्रॉम अब्रॉड उसमें से माइनस कर दो किसको, टू अब्रॉड जो पे किया है, ओके। तो सॉल्यूशन में देखिए यहाँ पर, तो गाइस कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट में हम डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे, नाफिया को हटा देंगे और एनआईटी को हम ऐड करेंगे। एनआईटी कैसे निकालते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ओके। तो आपके सामने जो है आंसर आ जाएगा, ओके। तो जिन्होंने मेरे आंसर बताने से पहले सॉल्व कर लिया था कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए, ओके। देखते हैं कौन सबसे पहले सॉल्व करता है और कौन अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझता है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइस आई होप आप लोग को ये दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। सो गाइस तो यहाँ पर सबसे पहले जो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है जिसमें कि पूछा गया है कि कैलकुलेट करना है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ध्यान से सुनो, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो दोस्तों फैक्टर कॉस्ट निकालने की बात आ रही है और यहाँ पर क्या निकालना है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दो बातें बोल रहा हूँ आपको ध्यान में रखने के लिए, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और एक फैक्टर कॉस्ट पर निकालना है। तो हमने फॉर्मूला क्या समझा था कि अगर फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो सब कुछ हमें मार्केट से जाने के पहले जो कॉस्ट है उनको लेकर आना होगा, और कभी भी जब नेट निकालते हैं तो हम डेप्रिसिएशन को इंक्लूड नहीं करते हैं। समझो क्वेश्चन जो आपके सामने है यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है कि जीएनपी एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट जो दिया हुआ है वो है जीएनपी एट मार्केट प्राइस विच इज 8000, मार्केट प्राइस पर है, आपको कहां जाना है, फैक्टर कॉस्ट पर। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर आगे क्या करना है। नेक्स्ट पॉइंट है डेप्रिसिएशन, थर्ड है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एंड फोर्थ इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है यानी कि सब्सिडी ऑलरेडी माइनस कर दी गई है। यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। दो बातों को समझना है, एक तो सबसे पहले नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है और वो भी फैक्टर कॉस्ट पर। तो कॉन्सेप्ट याद करो मैंने क्या कहा था कि अगर आपको फैक्टर कॉस्ट निकालनी है तो सबसे पहले आप टैक्स हटाओगे, क्योंकि मार्केट में जाने के बाद टैक्स लगता है, उससे पहले कोई टैक्स नहीं लगता है, ओके। दूसरी बात कि जब भी आपको नेट निकालना हो तो डेप्रिसिएशन का कोई काम ही नहीं होता, डेप्रिसिएशन को भी हटाना पड़ता है। अच्छा डोमेस्टिक में है हम, तो अगर नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे रखी है तो उसका क्या करना है, तो बहुत ही बेसिक सा है, डोमेस्टिक में है तो सिंपल सा है, जो भी आपने अब्रॉड से इनकम अर्न की है उसे भी हटा दो। तो क्वेश्चन जो है यहाँ पर बहुत ही इजी हो जाता है। तो आपके सामने आंसर जो है आ जाएगा, देखा कितना इजी है, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर तो न्यूमेरिकल हलवा हो जाता है एकदम, उठाया चम्मच और खा लिया, ओके। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता ना तो डेफिनेटली आप ऐड और लेस क्या करेंगे यही समझते रह जाते। तो मैं बार बार यही कहता हूँ कि कॉन्सेप्ट को क्लियर करो जैसे कि आप आगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाओ, आंसर्स अटेम्प्ट कर पाओ एग्ज़ाम में। कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो हम एग्ज़ाम में भूलते नहीं हैं, हमें याद आता है कि हमने ये पढ़ा था, ओके। उसको लिखने की कोशिश करते हैं हम, तो कॉन्सेप्ट की जो पावर है ये आप खुद देख पाओगे जब आप ऐसे समझोगे कॉन्सेप्ट को, ओके। तो
ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस लेकर आएंगे और कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आएंगे। सो लास्टली मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कॉन्सेप्चुअल स्टडी करना पसंद आ रहा है तो चैनल पर बने रहें मेरे साथ, और इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। अगर आपको लगता है कि इससे कुछ हेल्प हो पा रही है तो आप डेफिनेटली शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, एंड कमेंट में आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कॉन्सेप्चुअल स्टडी करना कितना इंपॉर्टेंट है और कितना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है। ओके, सो गाइज मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।